खसूसन ये जो बीजेपी की हुकूमत है ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है जो दुश्मनी पर स्टैंड है वो किसी से ढका छुपा नहीं है पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है इसको मीडिया हाइप हम इसलिए नहीं करें क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली वॉट India wants. वो वहाँ मोदी सरकार अपने आप को थोड़ा पाकिस्तान के साथ जा रिहाना रवैया दिखाने के लिए ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रिएक्ट करे स्ट्रॉन्गली और वो कह देखिए मैंने पाकिस्तान को परेशान किया बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा देखिए छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए शेरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की खास तौर पर आपको पीपल्स पार्टी के लोग इसमें आगे आगे नजर आएंगे वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता उसके है उसका जिम्मेदार मोदी थोड़ा सा क्लिप देखा आप देख सकते हो इंडस वाटर ट्रिटी को लेकर भारत ने पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा आएँ और इसके बारे में कुछ बात करें और भारत ने अप्रैल दो तक का टाइम दिया था कि आप इस पर आए नहीं तो हम फिर खुद डिसीजन लेंगे और इस पर पाकिस्तान ने कोई एक्टिविटीज दिखाई नहीं और अब जैसे ही भारत का जो टाइम दिया हुआ था वो खत्म हुआ पाकिस्तान के जो सांसद हैं जो उनके अभी करंट गवर्नमेंट के वो फड़फड़ाने लगे पहले पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के बात करते हैं डिटेल बात प्रैनल को सब्सक्राइब करिएगा खबर रखे देती हूँ तो पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और ये बात की जा रही है कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है तो ये हो क्या रहा है वो कहते हैं ना कि वो आ, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा देखिए छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए मैं आपके सामने दो खबरें रखूंगी और दोनों खबरें हमें बताती हैं कि हम कहां पर हैं ये रीजन इस वक्त कहां पर है और दूसरी खबर आपको बताएगी कि वो कहां पर है अच्छा देखिए पहली खबर तो मैंने आपको बताई दी कि शेरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की खासतौर पर आपको पीपल्स पार्टी के लोग इसमें आगे आगे नजर आएंगे वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है आपको पहले भी हम बता चुके हैं वो जो हमारी हिना रबानी खर साहब है उन्होंने जो कुछ कहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जवाब में उन्होंने कहा उपसेस्ट है जनाब तो यहाँ पर अब तो बात एक्सटर्नल अफेयर्स से आगे निकल कर प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच चुकी है शेरी रहमान ने वो धड़ाके की तकरीर की है पार्लियामेंट में सिर्फ रहमान रहमानी और भी लोगों ने मैं आपको ऐसा करती हूँ कुछ भी बताए बिना ना मैं खुद आपको जो बताती हूँ तो बाद में बताती हूँ लेकिन आप पहले जरा ये सुन लें हिंदुस्तान ने जो 25 जनवरी 2023 को नोटिस दिया उसका कॉन्टेक्स ये है कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक कमजोरी है पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है और उसको हम एक्सप्लोइ करें क्योंकि 2022 का सारा साल हमने सियासी चपकलिस और कौन बनेगा चीफ पर जाया किया और इसलिए शुरू में उन्होंने इंडिया ने यह एंड सर देर इज अंटेक्स ऑल्सो देर इज अट्रिक ऑफ हेट्रिक फ्रॉम इंडिया साइड इन द लास्ट टू थ्री मोदी उन्होंने पुलवामा का किया छब्बीस फरवरी को फर्स्ट अटैक ऑन पाकिस्तान ऑन पाकिस्तान बालाकोट आफ्टर सेवेंटी वन दूसरा हुआ पांच अगस्त दो हजार उन्नीस को मकबूजा कश्मीर और एनेक्सेशन की और जिसका हमारा uh, मैंने नोट किया और हमारे दोस्त बैठे हैं जो गवर्नमेंट में पाकिस्तान ने किस तरह इसकी वायलेशन वायलेशन है कहार इज नो क्लैरिटी इज कम्प्लीट इज डिलीबरेटली डन टू टू एक्साइट डोमेस्टिक ऑडियंस के जी हम पाकिस्तान के अब कुछ नहीं रह गया तो पानी पर ही शुरू हो जाए पर इसको मीडिया हाइप हम इसलिए नहीं करें क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली वॉट इंडिया वॉन्ट्स वो वहां मोदी सरकार अपने आप को थोड़ा पाकिस्तान के साथ जारहाना रवैया दिखाने के लिए ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रिएक्ट करे स्ट्रॉगली और वो कह देखिए मैंने पाकिस्तान को परेशान किया पाकिस्तान हिंदुस्तान के इन आ, इन इन इन, इन, इन एक्शन से बिल्कुल परेशान नहीं है जी सर बात ये कि ये जो अब आपको पता चला कि किस चीज़ पर यह ऊधम मच चुका है मैंने आपको कहा था कि ये जो इंडस वाटर है ये सिंह तास माहिदा इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेज हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें दो महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं उन्होंने कहा यह जो हो रहा है ना आपने सुन लिया शरी रहमान ने क्या कहा उन्होंने कहा यह इलेक्शन है तो इस बिना पर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है अच्छा देखिए हम जो है ना छोटा भाई है छोटा भाई जो होता है वो छोटा मुल्क जो होता है जो गरीब मुल्क होता है जो कि यानी कश लेके पूरी दुनिया में मांग रहा होता है उसको हर चीज़ की आज़ादी होती है अगर यहाँ पर शेख रशीद जैसा कोई मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि पाव पाव भर के जो बम है वो हम उठा के मारेंगे इट्स ओके ना हम छोटे हैं हमें इसकी इजाजत है कोई मसला नहीं है अगर हम दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर को बोचर ऑफ गुजरात और इस तरह के अल्फाजें तो देखिए ज़िद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना अब वो क्या करे और ना ताकत है ना पैसा है ना तरक्की है ना एजुकेशन है ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है तो फिर हम क्या करें पापो भर के बं की बात ना करें तो क्या करें दूसरों को बुरी गालियां ना करें तो क्या करें ये तो है तो सोचना चाहिए कुछ आप लोगों को और मैं तो कहती हूं कि जो बॉर्डर के उस तरफ है उनको सोचना चाहिए ना करें इस तरह क्यों डरा डे दोस्तों तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपको बता दूं कि भारत में पाकिस्तान और भारत के बीच जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी थी इसमें वर्ल्ड बैंक के इस मतलब उन्होंने साइन किए थे इस ट्रीटी में और वो मतलब आप समझें कि तीन जो नदी हैं भारत की तीन पाकिस्तान की तीन का पानी भारत पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता था तीन के पानी को भारत केवल इस्तेमाल कर सकता था कुछ कंडीशन के साथ उसको भारत रोक नहीं सकता था उन पर डैम नहीं बना सकता था उन पर डैम बना नहीं सकता था लेकिन जो इलेक्ट्रिक जो टर्वाइन जो रन ऑफ टरवाइन होते हैं मतलब जिसमें पानी को रोका नहीं जाता है बस बहते हुए पानी में अगर डैम लगाते हैं अब तो उस तरीके के कुछ प्रोसेस किए जा सकते थे तो उन्हीं को लेकर पाकिस्तान के साथ कुछ बात करने को लेकर था बट पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट हैं पाकिस्तान का जो अभी इस टाइम पे एटीट्यूड है तो भारत ने अब टाइम दी और टाइम में पाकिस्तान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसके जवाब में भारत ने सीधी सी बात है अब अपना जो है वो फैसला खुद लेने का सोचा है जो कि बिल्कुल अच्छी बात है सही है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पानी वेस्ट करने के मामले में मतलब पानी वेस्ट इन सेंस जो नदियों का पानी रहता है वो सीधा ये लोग कुछ नहीं करते उसको यूटिलाइज नहीं करते सीधा समुंदर में बहा देते हैं इनके साथ ये सीन है ये लोग अपनी कंट्री में पचहत्तर साल में गिनती के डैम बना चुके हैं गिनती के डैम शायद उतने भारत के एक स्टेट में हूं तो आप समझो कि इनकी हालत क्या है इनके यहाँ पानी की कमी है इनके यहाँ इनके हाँ तो हर चीज की कमी है यार अब इनके यहाँ गेहूँ का आटा नहीं है कृषि प्रधान देश है पाकिस्तान बट बट गेहूँ के आटे के लिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कितने लोगों की जाने जा रही है और क्या क्या सीन क्रिएट किए जा रहे हैं आपको पता होगा तो अब जो डैम को लेकर भारत का एक डिसीजन है इंडस वाटर टूरिटी तो मेरे हिसाब से तो अब बिल्कुल सही है अब देखते हैं इन फ्यूचर इस पर रिस्पॉन्स क्या आता है पाकिस्तान का पाकिस्तान सोचता है कि इसके पीछे यू एस है ये है वो है बिल्कुल नहीं है भारत खुद सक्षम है ये ये मामले निपटाने के लिए और पाकिस्तान को इसमें एक्टिविटीज़ दिखानी चाहिए थी अब आपका आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कॉमेंट और भी चैनल को सब्सक्राइब